हेलो प्यारे बच्चों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज लास्ट वीडियो है और आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को कंपलेटली पढ़ेंगे। जैसे हमने इंडिविजुअल तो पढ़ रखा है, कार्बोकेटायंस, कार्बो एनायंस, फ्री रेडिकल एंड कार्बिन्स, बट आज हम तीन जो मेजर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, कार्बोकेटायंस, कार्बो एनायंस और फ्री रेडिकल्स, उनका आज हम कंपलेटिव स्टडी करेंगे। कंपलेटिव स्टडी का फायदा ये होता है बच्चों कि आपको इंडिविजुअल पढ़ने से अच्छा होता है कि आपको तीनों को कंपलेटिव क्या डिफरेंसेस हैं वो पता चल जाता है। तो हम शुरू करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। मेरा नाम है सोनू शुक्ला और हमारा प्यारा चैनल है मिस्ट्री ऑफ साइंस। तो अगर हम तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें तो मेजर तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट थे कार्बोकेटायंस, जिसका मतलब हुआ कार्बन पे प्लस चार्ज, ठीक है। दूसरा था कार्बो एनायंस, ठीक है, या इसका मतलब था कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। और तीसरा था फ्री रेडिकल, इसका मतलब था कार्बन के ऊपर केवल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनकी स्टडी हम पहले कर चुके हैं, अगर आपने नहीं किया है तो आप डालिए कार्बोकेटायंस मिस्ट्री ऑफ साइंस या कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, आप उनको कंपलेटिव पढ़ सकते हैं। तो आज हमारा जो पर्पज है इनके कंपलेटिव स्टडी, तो हम तीनों का वन बाय वन लिख लेते हैं। ये है कार्बो कैटायन, हम ब्रैकेट में लिखते हैं कार्बन पे प्लस चार्ज। दूसरा है कार्बो एनायन, इसका मतलब है कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। और तीसरा है फ्री रेडिकल, इसका मतलब हुआ कार्बन के ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसका हम कंपैरेटिव स्टडी पहले स्टार्ट करेंगे, बनेंगे कैसे, ठीक है, बनेंगे कैसे। अगर कार्बोकेटायंस की बात करें तो कार्बोकेटायंस हमेशा हेटरोलिटिक फ्यूजन से बनता है, हेटरोलिसिस से बनता है। हेटरोलिसिस का मतलब हुआ जब कार्बन किसी ऐसे एटम के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से या तो अधिक है या तो कम है। लेकिन कार्बोकेटायन के केस में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये कार्बन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जब लिसिस होगा, मीन्स ब्रेक डाउन होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स की तरफ चले जाएंगे। मतलब यहां एक्स इज हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, देन कार्बन मीन्स यहां केस ये है, यहां पे जब भी लिसिस होगा, ब्रेक डाउन होगा इस बॉन्ड का, तो जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स है वो कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाएगा और रिजल्टिंग कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। पहला केस कार्बो एनायन में आते हैं, कार्बो एनायन में भी हेटरोलिसिस होगा, लेकिन यहां जो एक्स है वो क्या है, एक्स इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, ठीक है। यहां कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है या तो उसके साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं उसके कार्ड से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो गई है, या इसके पास जो ग्रुप लगे हुए हैं उसके कार्ड से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के ऊपर चला जाएगा, रिजल्टिंग कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा और निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये केस था कार्बो एनायन का। अगर हम फ्री रेडिकल में देखें तो यहां दोनों जगह पे हेटरोलिसिस हुआ है। हेटरोलिसिस का मतलब हुआ अनइक्वल ब्रेकडाउन, ठीक है। अनइक्वल का मतलब हुआ ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे कोई एक जबरदस्ती ले लिया, जिसके पास पावर ज्यादा था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट पावर जिसके पास ज्यादा था। लेकिन अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें, यहां कार्बन ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है जो एक्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आर, दो कंडीशन, या तो उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है आर मोड ऑफ रिएक्शन कंडीशन। ये रिएक्शन कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, जो होमोलिसिस, ये कैसे बनेगा, होमोलिसिस से। रिएक्शन कंडीशन हमने इसलिए बोला, जैसे अगर हम कार्बन बताते, कार्बन क्लोरीन,
कार्बन क्लोरीन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, लेकिन अगर इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा मतलब कोई फ्री रेडिकल अगर इस पर अटैक करेगा, फ्री रेडिकल ही अटैक करेगा, तो क्या करेगा वो इसके बॉन्ड को अनइक्वल ही तोड़ेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल को ही जनरेट करते हैं। तो दो चीजें कंडीशन इस पर डिपेंड करती हैं, आइदर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो या उनमें जो रिएक्शन कंडीशन है वो फेवरेबल करे फ्री रेडिकल बनाने के लिए। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट था कि कौन कैसे बन रहा है। ठीक है, अच्छा पहला पॉइंट हो गया कौन कैसे बन रहा है, एक होमोलिसिस से बना, बाकी दो हेटरोलिसिस से बने। अब दूसरी बात आती है पॉइंट टू कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर हम कार्बोकैटायन की बात करें, कार्बोकैटायन में अगर सपोज करो ये चारों बांड इसके सलामत होते तो चारों क्या थे कार्बन के, चारों sp3 हाइब्रिडाइज होते, sp3 हाइब्रिडाइज होते। लेकिन क्या हुआ, जैसे ये चार अलग अलग एटम से जुड़ा था लेकिन एक एटम के साथ इसका नाता टूटा और क्या हुआ, वो पूरे जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन था लेके चला गया और इस ऑर्बिटल को इम्पटी छोड़ गया, मींस ये हाइब्रिड ऑर्बिटल लॉस हो गया। अब इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बचे, तीन, तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, एक एस दो पी, तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp2। ठीक है, यहां आ जाओ, कहानी सेम है लेकिन यहां उल्टा यह है कि ये सारे जो इसके तीन चार हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, इनमें से जो बॉन्ड टूट के गया, जो एटम इससे अलग हुआ, वो क्या किया, अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, मींस इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल ब्रेक डाउन लॉस नहीं हुआ, बना हुआ है बट वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, वो बॉन्ड पेयर की जगह पे लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। तो यहां इसका हाइब्रिडेशन लॉस नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये sp3 था तो sp3 ही रहेगा। यहां जाओ, फ्री रेडिकल के केस में क्या हुआ, फ्री रेडिकल का केस एग्जैक्टली लगभग सेम होता है कार्बोकैटायन के जैसा, मींस यहां भी इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल लॉस हो गया, क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन वो लेके चला गया जो हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी के साथ ओवरलैपिंग करके बनाया हुआ था, वो ओवरलैपिंग खत्म हो गया और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कन्वर्ट हो गया पी ऑर्बिटल्स में, मींस यहां भी लॉस हो गया उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल का, तो यहां भी जो हाइब्रिडाइजेशन बचा वो बचा sp2। पहला पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा पॉइंट कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तीसरा पॉइंट होगा ज्योमेट्री। अब देखो बच्चों, यहां क्या हुआ, यहां ज्योमेट्री लास्ट हुई, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल खत्म हो गया और बना क्या sp2। sp2 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, यहां देखो, यहां हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन है sp3, लेकिन एक बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में, जैसे अमोनिया का केस होता है NH3 में, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है sp3 होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक बॉन्ड पे एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल वो लोन पेयर के साथ है, तो इसका भी जो कहानी हो गया वो अमोनिया के जैसा हो गया, किसके तीन तो बॉन्ड पेयर हुए और एक लोन पेयर हुआ, जिसके कारण से इसका जो ज्योमेट्री बना वो पिरामिडल बन गया। क्या बन गया, पिरामिडल। यहां पे आ जाओ, क्लियर है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इसका मतलब इसके भी तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल तीन ट्रायंगल के कॉर्नर पे हैं और एक पी ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ उसके ऊपर है। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या हुआ, इसका भी हुआ ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर इसी में हम बात कर लें शेप की, तो ज्योमेट्री का शेप से कोई लेना देना, ज्योमेट्री बताता है कि उसके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो पी ऑर्बिटल्स हो चाहे वो लोन पेयर वाले हो। ठीक है, लेकिन जो शेप है वो है उसके बॉन्ड पेयर क्या है, इसके इस ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका पिरामिडल शेप है, इसका ट्राइगोनल प्लेनर है और इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर है। तो अगला पॉइंट हमारा शेप हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गई। अब पॉइंट है कि अगर इन कार्बोकैटायंस कार्बोएनायंस और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखें, जो हमने पहले पढ़ा रखा है डिटेल में, बट हम यहां शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं एक एक करके। तीन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है,
कौन कौन से इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और मिजोमेरी इफेक्ट जो मेजर है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, माइनस प्लस आई इफेक्ट अगर देखें तो प्लस आई इफेक्ट क्या क्या करेगा कार्बोकेटॉन्स। प्लस आई इफेक्ट का मतलब हुआ वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है, कार्बन की तरफ पुश करेगा, यहां ऑलरेडी कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर प्लस आई इफेक्ट इसको मिल जाएगा, अगर यहां प्लस आई इफेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो क्लियर है कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी किसका, ऑफ कार्बो केटायन। ठीक है, दूसरा जो यहां पे प्लस आई इफेक्ट का कहानी, अच्छा दोनों इसी में देख लेते हैं। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसी का अपोजिट, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, वो कार्बोकेटायन से इलेक्ट्रॉन और खींचेगा, ऑलरेडी उसके पास कमी है और कोई खींच लेगा तो उसकी स्टेबिलिटी और डाउन हो जाएगी। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज द स्टेबिलिटी किसकी, ऑफ कार्बोकेटायन। क्लियर, आ जाओ कार्बोएनायन में क्या कहानी होगी, कार्बोएनायन में प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या होगा, कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और अगर और भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है, मींस इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसका अपोजिट, अगर प्लस आई इसका डिक्रीज कर रहा है तो माइनस आई क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। मींस माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। ठीक है, क्लियर। फ्री रेडिकल पे आ जाओ, फ्री रेडिकल हमने बता दिया कि वो कार्बोकेटायन के जैसा ही बिहेव करता है, तो कार्बोकेटायन पे आ जाओ, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट मींस अगर फ्री रेडिकल को देखो तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मींस इलेक्ट्रॉन की अब भी उसके पास कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, कमी को उसको पूरा करेगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मींस दिस इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। पॉइंट क्लियर, चौथा पॉइंट था ये कि स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट कार्बोकेटायन को बढ़ा रहा है और माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी घटा रहा है। कार्बोएनायन में उल्टा है उसी का, कि कार्बो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, और फ्री रेडिकल में भी कार्बोकेटायन के जैसा ही प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया, अब दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन मतलब होता है अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट, मींस अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है। इसमें दो टाइप नहीं होते, केवल सिंगल होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट मींस हाइपर कंजुगेशन क्या करेगा, स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन्स। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन कार्बोएनायन के केस में नहीं लागू होता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोएनायन के केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं इफेक्टिव होता। फ्री रेडिकल ये भी क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा। क्लियर, बहुत कुछ नहीं है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो हाइपर कंजुगेशन टाइप करिए, मिस्ट्री ऑफ साइंस आपको मिल जाएगा, डिटेल में उसमें डिस्कशन किया गया है कार्बोकेटायन कार्बोएनायन फ्री रेडिकल सारी की स्टेबिलिटी को। ठीक है, हम तो यहां एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा इलेक्ट्रॉन इफेक्ट है मिजोमेरिक, मिजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मिजोमेरिक भी दो तरह का होता है, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट का मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर करता है,
वो ग्रुप जो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, वो बोलता है प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट अगर मॉलिक्यूल में आएगा तो कार्बन के कार्बोकैटायन के पास भी आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मीन्स अगर कार्बन प्लस चार्ज है और कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन इसको बॉन्ड में दे रहा है तो क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो मेसोमेरिक इफेक्ट इंक्रीज, प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है तो माइनस एम इफेक्ट क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट डिक्रीज करेगा ठीक है, क्लियर, डिक्रीज कर रहा है, सॉरी डिक्रीज द स्टेबिलिटी। अच्छा, एनायन का केस उल्टा होता है कार्बोकैटायन से, यहां क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द स्टेबिलिटी ठीक है, और माइनस एम इफेक्ट इंक्रीज द कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरी इफेक्ट को एक दूसरे से कंपैरिजन मत करना। इंडक्टिव इफेक्ट अलग चीज है और मेसोमेरिक इफेक्ट अलग चीज है ठीक है। तो माइनस एम इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी, क्यों, अगर कार्बन के ऊपर माइनस आई इफेक्ट है और जो अगला ग्रुप लगा हुआ है मेसोमेरिक का, माइनस एम इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन खींचता है वो हमने मेसोमेरिक इफेक्ट में पढ़ाया है, तो क्या करेगा, इसके चार्ज को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। फ्री रेडिकल सिंपल है, जैसा कार्बोकैटायन में है, प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ऑफ फ्री रेडिकल, और माइनस एम इफेक्ट डिक्रीज करेगा ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इसके अलावा और कुछ इसमें ज्यादा है नहीं कार्बोकेट कंपैरिजन के लिए। तो आज इसी के साथ हमारा जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15 वीडियोस थे वो आज कंप्लीट हुए। आगे हम रिएक्शन के ऊपर काम करेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट के चैप्टर शुरू करेंगे, इसलिए आप इन सब चीजों के इंपॉर्टेंट है, जितने हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म में सबका पूरा इंप्लीमेंट है। तो इन सब चीजों को रिवाइज करिए, नोट बाय वन बाय वन बना के रखिए, नहीं तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके सारा देख के रखिए, ताकि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में समझने में आसानी हो। थैंक यू।